गाइज वेलकम टू माई चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज मैं आपको लेके चलती हूँ जे बी आर बीच। दुबई में ईद वाले दिन जे बी आर बीच कैसा लगता है मैं आज आपको वो दिखाऊंगी। और कितना ट्रैफिक था, ओ माई गॉड, जो हमें 10 मिनट लगते हैं जे बी आर पहुँचने में, उस दिन हमें पूरा पौना घंटा लगा, और वो भी हम बहुत दूर उतर गए थे बिकॉज आगे पूरा जाम पैक था। और मैंने फर्स्ट टाइम दुबई में देखा, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना सड़कों पे फाइट, वो देखी मैंने। तीन आई थिंक वो अरबिक्स थे, वो उतरे एक गाड़ी से और उन्होंने अपने आगे वाली गाड़ी वाले को इतना मारा उस दिन रोड पे। गाइज आपको जीब्रा से ही क्रॉस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे स्पेस भी है ना तो आप उस गाड़ी के पीछे से क्रॉस नहीं कर सकते, आपको फाइन हो जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं पे पुलिस खड़ी होगी। तो आपको जीब्रा ढूंढ के जीब्रा से ही क्रॉस करना है। आ जाओ आदित्य, चाहे जीब्रा कितना ही पीछे हो। और आदित्य अपना फैन लेके चल रहा है। आदित्य इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी उस गाड़ी से ना। एक्चुअली क्या हुआ, ट्रैफिक में पता नहीं किसी की दो गाड़ी आपस में टच हुई या व्हाट हैपेंड आई डोंट नो। वो तीन बंदे उतरे, अरबिक्स थे वो शायद, उन्होंने आगे वाली जो गाड़ी थी ना सेडान थी वो टाटा की, उस पे उसने इतना ज़बरदस्त बैंग करा, उस बंदे को बाहर निकाला और प्रॉपर सड़क पे जैसे लड़ाई होती है ना वो देखी है मैंने। जे बी आर बीच का जो मेन उधर की साइड आपको जैसे जो आपको ये बिग वाला एन दुबई दिख रहा है, दैट्स ब्लू वाटर्स। यहाँ पर ऐसे ना आप रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी है, लेकिन एक फ़ोटो लगाऊंगी, आप उस फोटो से देख लेना। अब आती है बात आज की वीडियो की। सो मुझे तो मिशलिन स्टार तब पता लगा था जब मास्टर शेफ आता था टीवी पे, उस टाइम पता लगा था कि व्हाट इज़ मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट और मिशलिन स्टार शेफ कौन होते हैं। सो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाती हूँ दुबई का मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट है स्पेशली फॉर इटालियन क्यूजीन। दैट इज़ अ मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट, इसका नाम है एल अंतिका पिज़्ज़ेरिया। Hi, my husband will be inside, no? With the kid, okay. So actually, Apoorv भी यहाँ पर एक बार पहले भी आए थे तो उनको पिज्जा बहुत अच्छा लगा था। Can I park it here? Apoorv actually एक बार पहले यहाँ पर आए थे तो उनको यहाँ का पिज्जा काफ़ी अच्छा लगा था। So hi, thank you. So आज हम दोबारा फिर से यहाँ पर आए हैं and yes. लेट्स सी मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट का आज पिज्ज़ा खाएंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा है। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट वाइब्स, इट्स सो इटालियन, सो नाइस। एंड दे आर, ये इनका वो है लाइव ओ अवन। आई बेटा, ये इनका लाइव अवन है। ओके क्या स्कूटर ले आई बेटा, पार्क कर दिया बाहर, बाहर स्कूटर पार्क है बेबी, बाहर आप जाओ देखो। थैंक यू। जूम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है क्या? ओके क्या हाँ जी आई। एंड दे ऑल आर बैल्समिक विनेगर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इनके प्राइस ही इतने बड़े वो होंगे, महंगे महंगे। एंड दे आर ऑल्सो द ऑयल्स। मैं उधर नहीं जा रही बिकॉज उधर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। एंड दीज आर द पेपर्स, या चिली पेपर्स। अपूर चिली पेपर्स, अपूर साइड बेटे बेटे, कोई ना कोई वो टूट ना जाए, रख दो। दिस माइट बी द चिली सॉस, चिली ऑयल, हॉट हनी। ओके अब टच नहीं बेटे, टच नहीं बेटे, बॉटल्स हैं बेटे, बहुत डेलिकेट बॉटल्स हैं, प्लीज़ आ जाओ। एंड ही इज़ द गाय जो जिनको मिशलिन स्टार मिला हुआ है, द मिशेल, हिज नेम इज़ द मिशेल, एंड उसी उन्हीं के नेम पर ये रेस्टोरेंट है। एंड ये स्टेयर्स कितनी प्यारी वाइब दे रही है ना, वाओ सो प्रिटी। यहाँ पर एक फ़ोटो तो लेनी बनती है डेफिनेटली।
फ्रॉम नेपाली टू दुबई। एंड ये है इनका स्टार्टर्स मेन्यू। स्टार्टर्स मेन्यू मैं आपको पिज्ज़ा मेन्यू दिखाती हूँ। जैसे ये है इनका ट्रेडिशनल जो अराबी आता है, दैट इज़ 75 AED। एंड अगर हमें स्पेशल पिज्ज़ा कोई वेज में लेना है, अपूर कौन सा कह रहे हो आप? इधर तो पास्ता है ड्रिंक। अब इसकी हम ना कोई ड्रिंक भी ट्राई कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस एंड ऑल, होममेड आइस टी, मॉकटेल्स, मोहितो एंड कोल्ड कॉफ़ी। वो मैं पक्का डेफिनेटली कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करूँगी आज तो, सॉल्टेड कैरेमल आइस कॉफ़ी, पर वो बेटर है। फिर पिज्ज़ा देखो, वेज ऑप्शन ये है, ये है ये अंदर दूजा दूजा कौन सा कह रहे थे? माराडोना फॉर मैगी, ये इसका मेन्यू है। कहाँ है जेनोवा? कहाँ है? ये रहा जेनोवा। ओके नहीं है सॉरी। तो फिर इन्हीं में से इनसे पूछ लो जो भी इनका बेस्ट वेज पिज्जा है। हाँ जी या बेस्ट वेज पिज्जा विच इज द बेस्ट सेलर इन वेजिटेरियन जेनोवा। No, not our with meat. Sellers, they are bulla, but with meat, you cannot. Okay, no, with, in veg. Like Maradona, and you have a good choice. Maradona Genova. Is veg? No, Genova. Genova is best choice. Okay, go for it, hai na? Do one Genova. Oh my gosh, it's so huge. Alvin, it's so huge pizza. Pet bhi nahi bharega. And it's looking so delicious, man. सुपर डिलीशियस और बहुत लाइट है। ह्यूज लग रहा था बट है नहीं। अभी यू लाइक इट ना? सो गाइस मैं आपको बताती हूँ इसका रिव्यू। जो पिज़्ज़ा के सबसे पहली बात करते हैं, जो उसका फ्लेवर था वो बहुत ही ज़्यादा इटालियन फ्लेवर था, जो बहुत माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं ना। इट वाज अ पेस्टो पिज़्ज़ा, प्लस उसके ऊपर जो फ्रेश मोज़रेला होता है वो उन्होंने पीसेस उसके रफली चंक्स डाले हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। प्लस इतना लाइट पिज़्ज़ा था, इट वाज़ ह्यूज। जो हमारे इंडिया में नॉर्मली एक लार्ज पिज़्ज़ा आता है ना, वो उससे भी बिग साइज़ था, अब आप इमेजिन करो। लेकिन आप वो सोचो, बस हम दोनों ने वो फिनिश कर लिया था क्योंकि वो इतना लाइट पिज़्ज़ा था और खाने के बाद बिल्कुल नहीं लगा। उसके बाद हम चीज़ केक फैक्ट्री गए, हमने वहाँ पे चीज़ केक लिया, शेक्स पिए, तो सोचो अब कितना ज़्यादा वो लाइट पिज़्ज़ा था। और प्राइस की बात करें तो जो हमारा बिल आया था, वो एक पिज़्ज़ा का जो प्राइस था वो 135 dirhams कुछ था। 135 dirhams से आपके इंडिया के हो गए ऑलमोस्ट 3500 rupees के आसपास। तो सोचो 3500 rupees का पिज़्ज़ा है। गरम गरम पत्थर ना नीचे छालों में और ज़्यादा लग रहा है, बट अब चलो कैब आ गई है, लेट्स गो होम। गाइज उस दिन एक्चुअली मैंने रॉन्ग हील्स पहन ली थी और उस वजह से मेरे दोनों फीट पे इतने छाले हो गए थे क्योंकि उस दिन वॉकिंग बहुत ज़्यादा करी थी। एक्चुअली दुबई में वॉकिंग होती भी है हर बार, बट मैंने उस दिन स्लीपर्स रॉन्ग पहने जिस वजह से मेरे बहुत छाले हो गए थे। तो मैंने अपने स्लीपर्स हाथ में ले लिए थे और मैं नंगे पैर ही चल रही थी। इट बिकॉज दुबई में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको कि आप नंगे पैर चल रहे हो चप्पलें हाथ में लेके। सो यस, ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।